मेरा पहला प्यार दूसरों पर कुछ यूं भारी रहा। मेरा पहला प्यार दूसरों पर कुछ यूं भारी रहा, आना जाना तीसरे के घर भी जारी रहा। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। टैट लवर्स ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैं आज आ गई हूँ एक प्रकार रीडिंग लेकर आप सभी के लिए। और गाइस, जो मैंने अभी आपको एक शायरी सुनाई कि मेरा पहला प्यार दूसरे पर कुछ यूं भारी रहा, तो दूसरा यहाँ पर कौन है? जी हाँ, दूसरा यहाँ पर है थर्ड पार्टी। ओके, तो मेरा पहला प्यार दूसरे पर कुछ यूं भारी रहा, आना जाना तीसरे के घर भी जारी रहा। तो आज की रीडिंग हम कर रहे हैं थर्ड पार्टी पर। बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी थर्ड पार्टी पर रीडिंग चाहिए, तो क्या आपके पर्सन भी कुछ ऐसा ही बर्ताव आपके साथ कर रहे हैं कि प्यार आपके साथ किया गया पर दूसरे का प्यार इतना भारी हो गया कि वो तीसरे के घर ही जाने लगे, आपको भूल गए। तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस पर आज की रीडिंग होने वाली है गाइज, समझ रहे हैं आप लोग। तो गाइज, आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपका साथ देंगे। जी हाँ, इसी पर आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हो थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, परिवार हो सकता है, आपके पर्सन का एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, आपके पर्सन का ज़्यादा काम में डूब जाना, कैरियर पर ज़्यादा फोकस करना, आपको टाइम नहीं देना, ये हो सकता है, उनका हेल्थ हो सकता है, या फिर उनका दोस्तों का संगत, साथी दोस्त जो होते हैं उनका संगत, ये भी एक थर्ड पार्टी हो सकती है। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी क्या है, कौन है जिसके वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही है, खटास आ रही है। तो क्या आपके पर्सन फ्यूचर में स्टैंड लेंगे उन्हें छोड़कर, या उनसे आपके लिए लड़कर क्या वो आपका साथ देंगे, यही आज हमारी रीडिंग की टॉपिक होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है गाइस, चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली है। एक है ब्लू स्टोन पाइल नंबर 1, दूसरा है ग्रीन स्टोन पाइल नंबर 2। तो आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, दिल पर हाथ रखकर चूज कर लीजिए। तब तक मैं करती हूँ कार्ड्स की शफलिंग, है ना गाइस। तो गाइस, इसे अभी हम हटा देते हैं यहाँ से, और ये है हमारा ब्लू स्टोन पाइल नंबर 1। गाइस, मैंने कर लिया कार्ड्स की शफलिंग, चले निकालते हैं कुछ कार्ड्स। फोर ऑफ वैंड्स आया है पहला कार्ड, सिक्स ऑफ पैंटिकल्स, गुड, थ्री ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, जजमेंट, कूल, द फूल, ओ माय गॉड, सुपर कूल। ये घर छोड़ने का कार्ड होता है, थर्ड पार्टी से पार्टनरशिप ब्रेक करने का कार्ड होता है, मजा आ गया गाइस। एस ऑफ कप्स, और बॉटम में हमें मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ यहाँ पर कौन से साइन और एलिमेंट ज़्यादा है। ओके, स्टे पॉजिटिव। पाइल नंबर 1, यहाँ सबसे ज़्यादा जो साइन नज़र आ रही है वो है फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। उसके बाद कप्स की एनर्जी है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर एयर साइन मुझे नज़र नहीं आई है गाइज। ओके, सो गाइज, इन कार्ड्स को देखकर आपको एक और शायरी मैं देती हूँ, डेडिकेट करती हूँ, सुनिए। प्यार किया बदनाम हो गए, प्यार किया बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए, जालिम ने दिल उस वक्त तोड़ा जब हम उसके गुलाम हो गए। समझ रहे गाइस। तो इन कार्ड्स को देखकर कुछ ऐसा ही मुझे लगा कि जब आप दोनों रिश्ते में थे ना गाइस, तो आपके पर्सन ने यहाँ पर बहुत सारी बेवकूफियाँ की है, क्योंकि मुझे इनकी कुछ बेवकूफियों वाली एनर्जीज द फूल के कार्ड से नजर आई है। यानी कि ये इंसान आपके लाइफ में आंधी की तरह आए और तूफान की तरह निकल लिए,
है ना, मतलब आपको सोचने का समझने का टाइम ही नहीं मिला होगा कि इसने ऐसा आखिर क्यों कर दिया। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में है। आज हमारी रीडिंग भी थर्ड पार्टी को ही लेकर हो रही है। कुछ चीजें ऐसी नजर आई है जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि पहले दोस्त रहे हो, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड से ये नजर आ रहा है कि आप दोनों का दोस्ती का कुछ एंगल रहा है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए मिले हो, या फिर यू नो सोशल साइट से दोस्ती हुई है, या फिर यू नो घर आस पास है, शहर आस पास है, जाना पहचाना चेहरा कुछ लोगों का यहाँ पर हो सकता है। ओके, सोशल साइट से भी मिले हो, ऐसा भी कुछ मुझे नजर आ रहा है। कुछ थर्ड पार्टी यहाँ पर शादीशुदा भी है, ऐसा नजर आ रहा है कि आप जिससे प्यार करते हो या तो वो किसी और से शादी उन्होंने कर ली है, या फिर यू नो किसी और के साथ आपके पर्सनल रिलेशनशिप में है, एंगेजमेंट हो गई है। तो मैरिड लोगों का भी कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो दो चीजें नजर आई थी, मैंने आपको वो बता दी। यानी कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिश्ते में थे ना गाइस, ज्यादा सीरियस नहीं थे, सीरियसनेस उसमें उस इंसान में नहीं था, बचपना बहुत ज्यादा था, बस अपने ही मन की करते थे, अपने ही मन की सुनते थे, दूसरों की भावना को नहीं समझना। यानी कि ऐसा इंसान जो कल के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ आज जीता है, आज करता है, और जो मन आता है वही करता है। ऐसे इंसान की एनर्जीज है आपके पोषण की। ओके, मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी बेवकूफ़ी की वजह से कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में खटास आई है, प्रॉब्लम्स आई है। और इन्होंने क्या किया है, थर्ड पार्टी तो जो आपके रिश्ते में मुझे नजर आई है, थ्री ऑफ पैंटिकल, शायद हो सकता है कि आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की ही बातें इन्होंने सुन ली है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, देखिए क्या हमारा आज का सवाल है कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपका साथ देंगे। सवाल यही है। तो इससे बेहतरीन कार्ड हमें और क्या मिल सकता है गाइस, कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स ने दिखा दिया है कि आपके पर्सन की पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप कह लीजिए, रिश्ता कह लीजिए, संबंध कह लीजिए, है ना, जो भी है, आपके पर्सन कमिंग फ्यूचर में थर्ड पार्टी से पार्टनरशिप तोड़ रहे हैं, रिश्ता तोड़ रहे हैं। और ये घर छोड़ने का कार्ड होता है, समझ रहे हैं, घर छोड़ने का बहुत ही खूबसूरत कार्ड। मुझे लग रहा था कि काश ये कार्ड निकल जाता और फर्स्ट पाइल में ही ये कार्ड निकल कर सामने आ गई। तो मुझे फ्यूचर यहाँ पर नजर आ चुका है। ओके, कि आपके पर्सन अपनी बेवकूफियों से बहुत सारे सारा सबक लेकर, बहुत सारी बातें सीख कर, है ना, वो जो है अब थर्ड पार्टी में नहीं रहेंगे, फ्यूचर यही है। ओके, अभी वो क्या कर रहे हैं गाइस, अभी देखिए थ्री ऑफ वैंड्स जो हमारा कार्ड आया है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि इस इंसान को अभी भी आपका इंतजार है। ये इंसान इंतजार कर रहे हैं, दूरी आप दोनों में आई है, आप लोगों का यू नो शहर अलग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दूर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है, कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकता है, पर कुछ ना कुछ मेंटल फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस तो आप दोनों के बीच में आया है। पर मुझे आपके पोषण बस वहीं पर खड़े होकर आपका इंतजार करते हुए कमिंग फ्यूचर में नजर आ रहे हैं। ये इंसान आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं गाइज, ओके, थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, इस बात को आप लोग श्योर हो जाइए, ठीक है। ये थर्ड पार्टी से निकलने का कार्ड हमें मिल चुका है। ओके, नए आइडियाज़ के साथ, यानी कि नए तरीके से, नए आइडियाज़ के साथ ये कहीं और जाकर, है ना, अपनी आइडियाज़ लगाएंगे, यानी कि आपके पास आएंगे, आपकी तरफ बढ़ने का आइडियाज़ वगैरह ये लगा रहे, सोच रहे कि कैसे आप तक पहुँचा जाए। इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। आपने हो सकता है कि इनसे कमिटमेंट मांगा है, शादी का कमिटमेंट मांगा, या फिर रिश्ते में रहने का कमिटमेंट मांगा, इंगेजमेंट करने का कमिटमेंट मांगा, या फिर आपने इनसे कहा हो कि घर पर आकर बातें करो, या कुछ ऐसा कुछ तो कमिटमेंट आपने इनसे मांगी थी, जो ये इंसान आपको देने से हमेशा कतराते रहे। कभी क्या बहाना बनाकर, कभी क्या बहाना बनाकर कि परिवार नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा और मेरे बीच में बहुत डिफरेंस है ना। तो ऐसी बहुत सी बचकानी बातें करके इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। पर ये इंसान अब आने वाले फ्यूचर में, आने वाले वक्त में आपको सब कुछ देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, यानी कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपके पर्सन का यहाँ पर अभी तक जो है कैरियर भी ठीक नहीं चल रहा, या फिर यू नो पैसे रुपए की तंगी रहती होगी, पर ये फ्यूचर ऐसा नहीं होने वाला है। आपके पोर्शन यहाँ पर स्ट्रांग भी होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, कैरियर वाइज से भी, है ना, कि कैरियर भी इनका अब ठीक ठाक चलने वाला है। और ये आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, यानी कि जो चीज़ें आज तक आप इनसे मांगते रहे हो ये देने से कतराते रहे हैं, पर अब जो है ये इंसान आपको बराबर वो हर हक जो आपको मिलना चाहिए इस रिश्ते में, ये इंसान आपको देना चाहते हैं। इस पावरफुल पोजीशन में ये इंसान अपने आप को खड़ा करने वाले हैं कमिंग फ्यूचर में। ओके, थर्ड पार्टी की तो ऐसी की तैसी यहाँ पर होती हुई मुझे नजर आ चुकी है गाइज। ओके, इंतजार इस इंसान का आपके लिए बहुत लंबा है, बहुत लंबे वक्त से ये इंसान आपका इंतजार कर रहे हैं। पर यू नो कुछ अपनी बेवकूफियों की वजह से, कुछ थर्ड पार्टी के प्रेशर की वजह से ये इंसान कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे आपके पास, पर ये इंसान आप कदम बढ़ाते हुए मुझे नजर आ चुके हैं। देखिए एस ऑफ कप्स ने दिखाया है
कि ये अब जो है प्यार लेकर, है ना, कप का एनर्जी हमेशा प्यार का एनर्जी होता है, कि प्यार लेकर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं कमिंग फ्यूचर में। सिर्फ प्यार होगा इस, यहाँ पर अब कोई भी आनाकानी नहीं होगी, यू नो, कोई भी बचकानी बातें नहीं होगी, बेवकूफियों वाला एक्शन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ प्यार लेकर ही ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, और थर्ड पार्टी से तो 100% ये निकल ही रहे हैं। गाइस, जजमेंट का कार्ड आने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जजमेंट ने हमें दिखाया है कि इस रिश्ते में, यानी कि आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में, जिस तरीके से बेवकूफियां हुई है उसी तरीके से अन्याय भी हुआ है। अन्याय किसके साथ हुआ है? आपके साथ हुआ है। पर मुजरिम भी यहाँ पर आपको ही बनाया गया है। हो सकता है कि आपके पोषण ने आप पर ही बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, है ना, गलतियां इनकी तरफ से हुई है, पर इल्जाम हमेशा आपको झेलने पड़ते हैं। आपको ही हमेशा मुजरिम बनाया जाता है, आपको ही हमेशा बलि का बकरा बनाया जाता है कि तुम्हारे वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ, है ना। तो ऐसी चीजें आपने बहुत झेली है। कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी की वजह से आपने यहाँ पर चीटिंग भी झेली है, धोखा भी झेला है ना। हो सकता है कि आपके पोषण कहीं और उन्होंने दिल लगा लिया, किसी और से रिश्ता यहाँ पर उन्होंने जोड़ लिया, है ना। तो तमाम दर्द, तकलीफें, एक अन्याय जो होता है एक रिलेशनशिप में, जो बेवफाई नहीं होनी चाहिए थी, वो सब चीज़ें आपके पोषण ने यहाँ पर कर दी है, आपके रिलेशनशिप में कर दी है, तभी जाकर यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। समझ रहे हो गाइस? तो जजमेंट के कार्ड ने दिखाया है कि ये इंसान को इस बात का एहसास हुआ है कि ये इंसान ने आपके साथ, इस इंसान ने आपके साथ बहुत सारी, यू नो, गलतियाँ कर दी है। अब जो है इन्हें इस रिश्ते में आकर न्याय करना चाहिए। जजमेंट का कार्ड का मतलब होता है रिकॉन्सिलेशन का कार्ड भी होता है, एक हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड होता है, कि जो रिश्ता टूट गया है उस रिश्ते को फिर से बनना है, जो रिश्ते में खराबी आई है उसमें अब जो है सब कुछ सुधार आना चाहिए, है ना। तो जजमेंट लेकर आपके पोषण आपके साथ नई शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्शन यहाँ पर इनका निकला है ना। जजमेंट सबसे बड़ा एक्शन होता है जो आपके पोषण की तरफ से नहीं बल्कि यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ संदेश है आपके लिए, कि यूनिवर्स ही चाहती है ना, कि आपके आंसू बहुत गिर चुके हैं, आपको दर्द बहुत मिल चुका है, अब आपको न्याय मिलना चाहिए। और न्याय किस इंसान की तरफ से मिलना चाहिए? उसी इंसान की तरफ से जिसने जो है किसी दिन आपको ठुकराया, आपको पत्थर की तरह लात मारी, आपको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका, ये कभी नहीं सोचा कि आपको इससे कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कितना दर्द होगा, है ना। आप कैसे जियोगे? कभी इस इंसान ने शायद इस बात को समझने की कोशिश नहीं की। हमेशा थर्ड पार्टी की बातें सुनना, थर्ड पार्टी के लिए ही, यू नो, अपनी ज़िंदगी तबाह कर देना, है ना, और आपकी फीलिंग्स को नहीं समझना। तो ये सब चीज़ें जब हरकतें होती है रिश्ते में, तब जाकर रिश्ता टूटता है, रिश्ता खराब होता है। गाइस, तो यहाँ पर अन्याय हुआ है, डेफिनेटली आपके साथ अन्याय हुआ है बहुत बड़ा, पर आपके पोर्शन जो है यहाँ पर बदल कर, है ना, आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे, थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर, है ना, थर्ड पार्टी का कनेक्शन छोड़कर आपका साथ देते हुए मुझे नजर आए हैं। और इनकी इच्छा, ख्वाहिश ये है गाइस, ये भी मैं बता दूँ, ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी शादी हो, ठीक है, आपके साथ इनकी शादी हो, पर थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, या तो इनके साथ रिश्ते में रहने के लिए प्रेशराइज कर किया जा रहा है, अगर कोई एक्स्ट्रा अफेयर का मामला है, अगर ये शादीशुदा नहीं है तो इन्हें कहीं और शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है। पर आपके पोषण ये नहीं चाहते, आपके पोषण चाहते हैं कि आपकी इनके साथ मैरिज हो, आपका ही इनके साथ रिश्ता बने, पर किस ढंग से बने? परिवार की मंजूरी के साथ बने, ओके, ये इनकी चाहत है। अरेंज मैरिज का कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड होता है, फोर ऑफ वैंड्स, है ना। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी चल रहे हो, 11-11 मुझे यहाँ पर नजर आया है, और ट्विन फ्लेम का जर्नी हमेशा बहुत ही मुश्किल जर्नी होता है, आप लोग जानते हो इस बात को, है ना। बहरहाल जो भी हो केस, थर्ड पार्टी जबरदस्त तरीके से आपके रिलेशनशिप में है, और आपके पोषण चाहते थे कि थर्ड पार्टी की मंजूरी के साथ ही आप इनके रिलेशनशिप में आओ, आप इनकी ज़िंदगी में आओ, पर शायद ये कहीं ना कहीं इनको असंभव लग रहा है, तो इसी वजह से थर्ड पार्टी का कनेक्शन छोड़कर ही आपके पोषण कमिंग फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ते हुए, आपका साथ देते हुए, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हुए मुझे नज़र आए हैं। फिलहाल के लिए ये क्या कर रहे हैं? फिलहाल के लिए आपके पोषण आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, दोस्तों से आपके बारे में पूछताछ जारी हो सकती है, आपको सोशल साइट्स पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको इन्होंने ही ब्लॉक कर रखा है, पर ब्लॉक इज़ नॉट द सॉल्यूशन। गाइस, ब्लॉक करके कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के पास बहुत सारे आईडीज होते हैं, कहीं से भी अगर देखने का मन हो तो देख लिया जा सकता है। गाइस, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो थर्ड पार्टी कनेक्शन से निकल रहे हैं, बहुत जल्दी निकल रहे हैं आपके पोषण, और आपकी तरफ ये इंसान बढ़ेंगे। पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब कोई इंसान
इंसान गलती करता है ना गाइस, जब गलती करता है ना, तो थोड़ी शर्मिंदगी होती रहती है ना, कि मैंने ही इतनी गलतियाँ की, मैं ही निकला इस रिलेशनशिप से, मैंने ही ब्रेकअप दिया, मैंने ही डिवोर्स दिया, अब मैं किस मुंह से जाऊँ, है ना। ऐसी एक एक दिल में एक मलाल रहता है कि झुकना इतना आसान नहीं होता, है ना। तो इसी वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो भी थोड़ी बेवकूफ़ी भरी बातें कर कर ही आएंगे, है ना, कि बस मैंने ऐसे ही कॉल कर लिया, मैंने ऐसे ही मिस कॉल किया, गलती से लग गया फ़ोन, मैसेज ऐसे ही चला गया, मैसेज करेंगे डिलीट कर देंगे। तो थोड़ी सी बेवकूफ़ी भरे अंदाज से इनके वापस आने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे। ओके, ये नहीं कहेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो, है ना। थोड़ा सा आपको यू नो अपने आप को ऊपर उठाकर, सुपीरियर दिखाकर ये ना झुकने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको ही झुकाने की कोशिश करेंगे। पर इस तरीके से, इस अंदाज से इस इंसान के वापस आने की मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश नज़र आ रही है, क्योंकि फूल के एनर्जी में आपके पर्सन के कार्ड्स निकल कर आए हैं। पर इनका अंदर का जो चीज़ है वो यही है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको रिश्ते में बराबर इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर देना चाहते हैं, जो चीज़ें आपने मांगी है वो सब चीजें देना चाहते हैं, पर शुरुआत के दिनों में ये बताएंगे नहीं। ओके, बेवकूफी वाली बातें ही करेंगे, दोस्ती का ऑफर फेंक सकते हैं आपको कि हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे बचकानी बातें ये इंसान आपके साथ कर सकते हैं। तो मुझे नजर आ चुका है थर्ड पार्टी का साथ जो है छोड़ते हुए आपके पर्सन का, मुझे यहाँ पर दिख चुका है गाइस। और मैं प्रेयर करती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी थर्ड पार्टी कनेक्शन से निकले और आपका साथ दे, आप दोनों एक अच्छे खुशहाल ज़िंदगी साथ में मिलकर बिताओ, यही मेरी प्रेयर्स है, यही मेरी दुआएं हैं। और आप लोग भी जो है मैनिफेस्टेशन करते रहो, ताकि आपके पर्सन में हिम्मत आए थर्ड पार्टी कनेक्शन से निकलने की। ओके, इतना कहते हुए रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी ग्रीन स्टोन पाइल नंबर 2 चूज किया है, चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपका साथ देंगे। यही है हमारा सवाल आज का। चलिए गाइस, मैंने कर ली है कार्ड्स की शफलिंग, निकालते हैं कुछ कार्ड्स। ओह माय गॉड, 9 of Cups, ब्यूटीफुल पहला कार्ड ही बहुत ही खूबसूरत आया है। स्ट्रेंथ, ओह मजा आया कार्ड्स को देख के गाइस। दूरी, वर्ल्ड, वाव, इतने अच्छे कार्ड्स निकलते हैं तो मन ही मन में बहुत खुश हो जाती हूँ। बिंगो कार्ड, लवर्स का कार्ड मिल गया गाइस, बोल ही रही थी कि खुश हो जाती हूँ और टपक पड़े लवर्स का कार्ड। वाह, सोलमेट का कनेक्शन, तो अब तो थर्ड पार्टी की ऐसी की तैसी मेरे प्यारे प्यारे गाइस वाट लगने वाली है। देख लीजिए इतने बेहतरीन कार्ड्स, इतने बेहतरीन कार्ड्स, ओह माय गॉड, देख लीजिए इनका एक्शन भी देख लीजिए। अब मुझे एक्शन जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। देखिए थर्ड पार्टी तो निकल गई ना गाइस, यानी कि थर्ड पार्टी है, नाइट ऑफ वैंस बॉटम में आया है, थर्ड पार्टी है गाइस आपके रिलेशनशिप में। ओके, तो चलिए साइन और एलिमेंट आपको बता देते हैं फटाफट से गाइस। यहाँ पर जेमिनी और लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आज की रीडिंग में। इसके अलावा वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में मुझे यहाँ पर फायर साइन लियो सैटर्स आयरस धनु मेष राशि भी नज़र आई है। अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि, एयर साइन नज़र नहीं आई है, पर रीडिंग ये आपकी ही है गाइस, समझ। तो गाइस इन कार्ड्स को देख कर ना मुझे एक शायरी कहने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, वो भी आपको नहीं, आपके पर्सन को नहीं, थर्ड पार्टी को मैं ये डेडिकेट कर रही हूँ, सुनिए। चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए,
चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए। कैसी लगी गाइस? मैंने ये शायरी इसलिए मारी है क्योंकि मुझे यहाँ पर लवर्स का कनेक्शन नजर आ चुका है ना? तो अब तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को जलना ही है, वो भी बिना माचिस के, बिना पेट्रोल के जलाना ही है। ओके, समझ रहे हैं? इस कार्ड का इतना इन्फ्लुएंस होता है मेरी रीडिंग में। तो मैंने यहाँ पर जो शायरी मारी है वो नजर आ चुका है कि थर्ड पार्टी तो है आपके रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी कनेक्शन निकल कर आई है वो मुझे ज्यादातर एक्स्ट्रा अफेयर या फिर एक्स्ट्रा कुछ ऐसी चीजें नजर आई है आपके पोर्शन की। ये क्यों निकल कर आया है जानते हो गाइस? क्योंकि आपके पोर्शन की ओवरऑल एनर्जी जो है वो यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की है, यानी कि आप में से कुछ लोगों के पोर्शन थोड़े से कैरेक्टर में ढीले हो सकते हैं, या कैरेक्टर में ढीले भी नहीं है तो थोड़े फ्लर्ट करने वाले नेचर के, खूबसूरती की तरफ भागे चले जाना या किसी और को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो ऐसा नेचर इस इंसान का मुझे कहीं ना कहीं नजर आया है। ओके, तभी जाकर मैंने कहा कि ये जो थर्ड पार्टी है ज्यादातर एक्स्ट्रा अफेयर का मामला हो सकता है, पर सिर्फ ये मामला नहीं है, यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली का भी मामला हो सकता है। ओके, दो चीजें नजर आई मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपके पोर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपका साथ देंगे, आपके पास वापस आएंगे, आपका हाथ थामेंगे, आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, क्या होगा फ्यूचर में? ये चीजें जानना हमें हमें बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, है ना? तो सबसे पहले बता दो, डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से ही आज आप और आपके पोर्सन दूर हो। टू ऑफ फ्रेंड्स ने हमें दिखाया है दूरी, दूरी आ चुकी है इस रिश्ते में। आपके पोर्सन आपसे जुदा है, आप अपने पोर्सन से जुदा हो। अगर टोटली जुदा भी नहीं हो तो इन एंड आउट वाला सिचुएशन यहाँ पर चल रहा है कि आते जाते आते रहते हैं, कभी प्यार दिखाएंगे, कभी ऐसा करेंगे कि कुछ है ही नहीं आप दोनों के बीच में, दोस्तों वाला बिहेवियर कर देंगे, है ना? तो हॉट एंड कोल्ड, इन एंड आउट, ये सब चीजें भी कुछ लोगों के लिए चल रही है। कुछ लोगों के लिए तो पूरी की पूरी दूरी ही है, डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, शहर अलग हो सकता है, कंट्री अलग हो सकता है, फीलिंग्स जुदा हो गई है, इमोशंस जुदा हो गए हैं, प्यार खत्म हो गया है, ऐसा दूरी यहाँ पर नजर तो मुझे आ चुका है। तो ये सब चीजें क्यों हुई है आखिर? दो कारण से हुई है। पहली चीज, आपके पोर्सन का ये बिहेवियर है ना, कि थोड़ा सा आपकी भावनाओं को नहीं समझना, आपको हमेशा इस्तेमाल करने की कोशिश करना, आपकी आपकी कभी कदर नहीं करना, है ना? आपके होते हुए कहीं और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना, एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न, इस इंसान में आपको अपनाने की हिम्मत नहीं रही है पहले, है ना, कि आपको अपने घर पर लेकर जाने की या आपके घर पर आने की, आपको अपना नाम देने की, पहचान देने की, आपके रिश्ते को पूरी तरीके से अपनाने की इस इंसान में हिम्मत की कमी रही है, जिसके वजह से आप दोनों का रिश्ता टूट गया, यहाँ पर दूरी आ गई। ओके, ये चीजें हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा अफेयर का कुछ एंगल भी यहाँ पर नजर आया है मुझे। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा इसकी अब फ्यूचर में क्या होगा। क्या आपके पर्सन इन सब प्रॉब्लम से निकलकर, अपनी ये गंदी हरकतें छोड़कर, अपने आप में हिम्मत लेकर आकर, थर्ड पार्टी का कनेक्शन छोड़कर क्या वो आपको अपनाएंगे, क्या वो आपका साथ देंगे? सवाल ये है। तो इसका जवाब मुझे आपको देना है 100% यस यस, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई जवाब है ही नहीं गाइस। पाइल नंबर टू समझ गए? क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे कार्ड आए हैं जो हमें दिखाती है आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। आपके रिश्ते की सच्चाई ये है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में हो, ये जो प्यार है ना, आपका प्यार इनके लिए, इनका प्यार आपके लिए, ये आप तो समझ गए, आपको ये जल्दी समझ में आ गया कि यही वो इंसान है जो आपका सोलमेट है। तभी तो आप इनकी हर गलतियों को माफ करते रहे, आज तक आप इनका इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे अपनी जिंदगी पूरी बितानी है। इसके सिवा मैं किसी और को कल्पना नहीं कर सकती, किसी और को कल्पना नहीं कर सकता, अपनी लाइफ में लेकर नहीं आ सकता। आप एक समझदार इंसान थे, मैच्योर इंसान थे, प्यार की कदर आपको हो गई, पर आपके पोर्सन ऐसी एनर्जीज में है, ऐसी एनर्जीज में है, ऐसी एनर्जीज में है, तो इन्हें जो है सच्चे प्यार की कदर नहीं हुई, ये आपके प्यार को नहीं समझ पाए। इसी वजह से इस इंसान ने बहुत सारी गलतियां हो सकता है कि आपके रिश्ते में कर दी, पर अब ऐसा नहीं होने वाला है। आपके पोर्सन को यहाँ पर एहसास हो रहा है, जब ये दूरी आई है तो इस इंसान का इंतजार भी आप देख लो, किस तरीके से खड़े होकर वहीं पर देख रहे हैं जहां से आपके आने की उम्मीद इस इंसान को नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर इंतजार, थॉट्स, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग इस इंसान की चल रही है। ये इस दूरी को मिटाने के बारे में यहाँ पर सोच रहे गाइस। इस इंसान को एहसास हो गया है कि जिस इंसान का दिल मैंने तोड़ा,
जिस इंसान का दिल मैंने दुखाया वो तो मेरा जन्मों जन्मों वाला साथी है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इन्हें आपके प्यार का एहसास यहाँ पर हो चुका है गाइस, समझ रहे। इसी वजह से इस इंसान में हिम्मत आ रही है ना, स्ट्रेंथ आ रही है, ताकत आ रही है कि ये जो है अब किसी से भी आपके लिए लड़ जाएंगे। हमारा सवाल ही यही है कि क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको अपनाएंगे, आपका साथ देंगे। तो यहाँ पर इस इंसान में साथ देने का एक जो जुनून होता है, एक हिम्मत होती है स्टैंड लेने की, आपके लिए खड़े होने की जो एक हिम्मत होती है, वो जो है यहाँ पर आ रही है। लियो का एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, और इसके साथ आपके पर्सन के मन के अंदर ये हिम्मत कैसे आएगी, सोचने वाली बात है। जो इंसान कल तक आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाया, उसके अंदर अचानक से ये हिम्मत कैसे आएगी। ये हिम्मत ऐसे आएगी गाइस, वक्त है सब कुछ, वक्त का खेल है। यहाँ पर आपके पोषण के ऊपर जो है एंजल मार्क आपको नजर आ रहा है। ये एंजल मार्क का मतलब है कि यूनिवर्स की तरफ से इस इंसान में वो पावर्स आएंगे, वो हिम्मत आएंगे कि वो थर्ड पार्टी जहाँ पर ये अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, जो भी है आपके सामने जो भी दिखाया जा रहा है ना, इससे निकलने की हिम्मत आपके पोर्शन में यहाँ पर यूनिवर्स इन्हें देती हुई मुझे नजर आई है। क्योंकि इस इंसान को पहली बात अकल ठिकाने आ गई है कि आप इनके सोलमेट हो, आपके बिना इनका गुजारा नहीं होता, आपके बिना एक कदम नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे, ये कोई इनका साथ नहीं देगा, है ना। तो इसी वजह से ये इंसान हिम्मत करके आपके और इनके बीच की दूरियों को खत्म करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पाइल नंबर टू, द वर्ल्ड के कार्ड का आने का मतलब क्या है, जिस तरीके से आपका और इनका मिलना जायज़ था, आपका और इनका मिलना किस्मत में लिखा था, उसी तरीके से आपका और इनका बिछड़ना भी लिखा था गाइस, समझ रहे। आपके आपको दर्द मिलना, आपको आंसू मिलना लिखा था, आपको अपने पर्सन से धोखा मिलना भी आपको लिखा था। ये लिखा गया है, जो चीज़ें लिखी जा चुकी होती है उसे आप चाहकर भी नहीं बदल सकते, ना ही इसे मैं बदल सकती हूँ, ना ही आपके पर्सन बदल सकते हैं। इस बात को जानना जरूरी है कि एक साइंगल तो यहाँ पर जो शुरू हुई वो जाकर ख़त्म हुई है थर्ड पार्टी पर, राइट। आपके साथ शुरुआत हुई, थर्ड पार्टी पर जाकर ख़त्म हुई। अब दूसरा साइकिल यहाँ पर क्या स्टार्ट होने वाला है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आपके पास आएंगे। ये है आपके जिंदगी का दूसरा साइकिल, आपके पोषण जो इसे पूरा करेंगे, आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ेंगे, ओके, एक को एक पे जोड़कर दो बनाएंगे, ओके। इस तरीके से साइकिल का हमेशा कंप्लीट होना तय होता है गाइस, इस बात को आपको समझना है। आप में से बहुत लोग कंप्लेन करते हो कि मेरा वक्त नहीं आ रहा, मुझे प्यार नसीब नहीं हो रहा, इतने महीने हो गए इंतजार करते हुए, अब तक तो एक्शन नहीं लिया, अब क्या लेंगे। पर आपको अगर आप टैरट रीडिंग देखते हो तो आपको समझना है कि हर इंसान का एक टाइम होता है, जिस टाइम के आने पर ही आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलता है, समझ रहे हो गाइस। तो यहाँ पर भी मुझे लवर्स के कार्ड के साथ ही पता चल गया कि आप लोग का जो है रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है इस इंसान के साथ में, जो सदियों से शायद चलता आ रहा हो आप दोनों का रिश्ता, सोलमेट का कनेक्शन है, डिवाइन की तरफ से बनाया गया रिश्ता है ये, है ना। तो इसे कोई भी थर्ड पार्टी कुछ पलों के लिए आ सकती है आप दोनों के बीच में, आप दोनों को जुदा कर सकती है, पर ये हमेशा के लिए नहीं होता है गाइस। जिस तरीके से आज आपको दर्द मिल रहा है, कल ये साइकिल जब कंप्लीट होगा, चेंज होगा, तब ये रोने की बारी थर्ड पार्टी की होगी, समझ रहे हो आप। आपके आंसुओं की कीमत थर्ड पार्टी को भी अपने आंसू गिराकर चुकाने पड़ेंगे, और ये कौन करेगा, ये ऊपर वाला करेगा, कर्मा करेगा गाइस। कैसे करेगा, साइकिल कंप्लीट कर यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से खुशियाँ हो ही आएगी, आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनोगे। यहाँ पर इन दो कार्ड्स का आप देख लो, जिस तरीके से ये इंसान दो अलग अलग खड़े हैं, है ना। तो ये बिकॉज ऑफ दिस साइकिल, ये साइकिल के वजह से ही आप लोग अभी अलग हो, है ना। पर एक दिन ऐसा आएगा जब ये साइकिल कंप्लीट होगा और आप दोनों को एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, और तब जाकर जो है थर्ड पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, समझ गए। मुंह की खानी पड़ेगी, बड़ी जोरों से खाने पड़ेगी, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी तो बहुत जोरों से पड़ेगी गाइस, ओके। इस बात की उम्मीद आपको रखनी है। आपके पोषण आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ घर परिवार खुशियां सब कुछ इस इंसान ने सपने देखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, 10 of cups आया है, जो एक भरे पूरे परिवार को दिखाता है, समझ गए, भरे पूरे परिवार को, एक ऐसा परिवार जहाँ आप ही इन्हें खुश रखोगे, आपकी वजह से ही इस घर में खुशियाँ आएगी। तो यहाँ पर आपके साथ ये इंसान जिंदगी अपनी देख रही है, अपने सोलमेट के साथ अपना जिंदगी बिताने के बारे में ये इंसान ने सपने देखना यहाँ पर शुरू कर दिया है। आप इनकी एक विश हो, आप एक ऐसी खूबसूरत विश हो इस इंसान की जिंदगी में, जिसे ये कभी खोना नहीं चाहते,
है ना। आज भले ही वो बहक गए है ना, थर्ड पार्टी के साथ है, कुछ भी है गाइस, पर इन्हें जो है वो सुकून जो है ना वो आपके पास आकर ही मिलता है। यानी कि इन्हें लगता है कि आप उनके लिए खूबसूरत सा तोहफा हो, एक विश फुलफिलमेंट हो आप इनके लिए, और आपके साथ ही ये इस तरीके से रिलैक्स होकर, खुश होकर, आराम करके बैठना चाहते हैं, समझे। तो ये इंसान अपनी ये तमाम विशेष जो भी प्यार से लेकर है, ये अपने विशेष को फुलफिल यहाँ पर करते हुए मुझे नजर आए हैं, और ये कर भी रहेंगे, करेंगे ये, क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड मिला है। जितना भी इस इंसान में अभी तक आपको आपको अपनाने की, आपको नाम देने की, समाज में आपको इंट्रोड्यूस कराने की, जितने भी इस इंसान में हिम्मत की कमी पड़ रही थी ना, ये इंसान अब हिम्मत करके आपको जो है अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर ही रहेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखिए थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, ओके, कि ये इंसान बहुत सोच रहे हैं कि कैसे इस दूरी को मिटाना है, कैसे थर्ड पार्टी से निकलना है, कैसे अपने सोलमेट के पास जाना है, कैसे जीतना है इस रिश्ते में। तो बहुत सारी थिंकिंग इस इंसान की चल रही है। यहाँ पर थिंकिंग इसलिए आया है गाइस, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी कनेक्शन है, समझ गए, है ना। तो थर्ड पार्टी से निकलना, चुटकी बजाते ही निकलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये जिंदगी भर का मामला है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मामला है। इंसान ऐसे ही कदम नहीं बढ़ाते, है ना। कदम पीछे हटाना आसान होता है, पर कदम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब कदम इंसान आगे बढ़ाता है तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, समझ रहे। तो इसी वजह से यहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस आया है, पर आपको ये ध्यान देना है कि आपके पोर्शन बहुत जल्द इस थर्ड पार्टी कनेक्शन से निकलकर अपने प्यार की तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आए हैं, और आपको जो है अपनी दुनिया का हिस्सा ये इंसान बनाकर ही रहेंगे। थर्ड पार्टी से लड़ गुजरेंगे, लड़ेंगे, आपके लिए चैलेंज करेंगे ये इंसान, और आपको जो है अपनी दुनिया में ये इंसान लेकर ही आएंगे। यही सब बहुत ही खूबसूरत मुझे इनकी एनर्जीज नजर आई है गाइज, ओके। फ्यूचर आप लोगों का बहुत खूबसूरत है, बस यहाँ पर करना क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना, कि आपके पोर्शन अगर आपके लाइफ में आते हैं तो इस एनर्जी में ना आए, ओके। ओवरऑल एनर्जी इनकी मुझे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन वाली, फिजिकल अट्रैक्शन वाली, ऐसी आपके पोर्शन की एनर्जी नज़र आ रही है। तो अगर बदल कर आते हैं, सुधर कर आते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आना तो है, 100% आना तो इस इंसान को आपके पास ही है। थर्ड पार्टी इन्हें कभी खुश नहीं कर सकती, चाहे ये कुछ भी कर ले, कुछ पलों का दिखावा, कुछ पलों का अट्रैक्शन, कुछ पैसे रुपए की बातें थर्ड पार्टी के साथ हो सकती है, पर जिंदगी ये इंसान को पता है कि थर्ड पार्टी के साथ नहीं बीतेगी इनकी, है ना। जिंदगी इनकी अपने प्यार के साथ ही बीतनी है, जो इनका सोलमेट है, समझ रहे हो। तो इसी वजह से थोड़ा ध्यान इस बात का देना है कि इस एनर्जी में आए तो आपको जो है मना कर देना है कि तुम सुधर कर आओ, मैं इंतजार में हूँ, मैं हूँ यहीं पर, तुम्हें सुधर कर आना है तो आओ, इस एनर्जी में मत आओ, ओके। क्योंकि ये बहुत तकलीफ दह एनर्जी होती है नाइट ऑफ वैंड्स की, जिसमें ज़्यादा प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन वाली ज़्यादा चीज़ें नज़र आती है ना। सभी के पोर्शन ऐसे नहीं होंगे, यहाँ पर लवर्स का कार्ड निकला है, तो सच्चे प्यार करने वाले भी आपके पोर्शन, आप में से कुछ लोगों के पोर्शन हो सकते हैं, ओके। पर अगर कोई आपको इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उन्हें जो है आपको डायरेक्ट अभी नो बोलना है, ठीक है, नो बोलना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि प्यार नहीं है, प्यार होता है, पर प्यार से ज़्यादा क्या होता है ना गाइस, इनको जो है आपके लुक्स की ज़्यादा एडिक्शन लगी होती है, आपके बोलने का तरीका, आपकी आंखें, आपके बाल, है ना, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान इस ऐसे नाइट ऑफ वैंड के एनर्जी वाले लोगों को ज़्यादा होता है। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर आपके साथ करते हैं तो कोई बुराई नहीं है गाइज पर किसी और के लिए करते हैं तो बहुत बुरी बात है ना गाइज। इसीलिए थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना कि सुधर कर आए आपके पोर्शनों के, तब जाकर आपको एक्सेप्ट करना है, पर आना तो है ही, अपने सोलमेट के पास इस इंसान को एनी हाउ आना ही है, और थर्ड पार्टी को छोड़ कर ही ये इंसान आपका साथ देंगे, आपको अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे। तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना गाइज। और इसी के साथ जाकर द स्टार टैरोट पर भी रीडिंग्स देख लिया करो, वहां पर भी मैं हर रोज एक नई वीडियो पोस्ट करती हूँ, रात को 8 बजे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी उसका लिंक, ओके। तो गाइज रीडिंग को मैं कर रही हूँ क्लोज, आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज।